आज हम आपको दक्कनी तहजीब का अहम हिस्सा रहे शेरवानी के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 1820 लखनऊ से शेरवानी पहनने का रिवाज शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे एशिया में पहने जाने लगी। शेरवानी को इब्तदा में सिर्फ शाही खानदान आला तबके के अफराद पहना करते थे और शेरवानी पहनने वालों को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता था। इसलिए यहाँ के निज़ाम दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने के बावजूद सीधी सादी शेरवानी पहनना पसंद करते थे। When it comes to निज़ाम सरकार तो एकदम यूनिक शेरवानी पहना करते थे, जिसका जिस कपड़े को हम सप्लाई करते थे उसका नाम है हिमरू। अगर आज के पीरियड में अगर आप किसी से पूछ भी लेंगे कि भाई हिमरू, तो हिमरू के बारे में भी किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जो हिमरू फैब्रिक होता है वो हिमरू बहुत ही महीन फैब्रिक होता है और बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ उसको बनाया जाता है। तो ये हमारे पास जो है यानी हमारी अपनी स्पेशलिटी थी हिमरू फैब्रिक की। और उससे हट के फिर प्योर ब्रोकेट फैब्रिक है और आपके जो है वेलवेट फैब्रिक है और प्लेन फैब्रिक्स है। ये सब जो है मतलब शेरवानी के ट्रेंड्स में रहे हैं। और जो बेसिक शेरवानी में अगर देखते हैं तो जो है प्लेन शेरवानी इज़ ए बेसिक शेरवानी, जो अचकन के नाम से भी जानी जाती है, केड़िया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं वो पूरे जो है केड़िया स्टाइल में पहनना पसंद करते हैं। और निज़ाम सरकार स्पेशली निज़ाम सरकार तो अपने स्ट्रेट शेरवानी मैक्सिमम वही पहना करते थे। मीर उस्मान अली बादशाह बहुत अच्छा उनका स्टाइल था और वो इन अदर वर्ड्स जो है वर्ल्ड में स्टाइल इन्वेंटर भी थे। तो वो अलग अलग स्टाइल्स में जो है अपने शेरवानी क्रिएट किया करते थे। और जो पहले की शेरवानी थी और आज की शेरवानी, तो अब इन ऐसे अगर कहावत में कहा जाए तो हैदराबाद नगीना नीचे मिट्टी ऊपर चुनना। तो पहले जो शेरवानी पहना जाता था रियल गोल्ड के बटन लगाए जाते थे जिसमें जो है अपने हीरे जड़े होते थे। आज हीरे स्टडेड बटन तो नहीं मिल रहे, लेकिन यह है कि आज सिमिलर लुक में जो है उसको आर्टिफिशियल में जो है सिमिलर लुक में लाया गया है। वक्त गुजरता गया, शेरवानी खासो आम होने लगी। शेरवानी का लफ्ज शेरवान इलाके से आया। शेरवानी को दक्कनी तहजीब में नुमाया मुकाम हासिल रहा और इसकी तैयारी में उम्दा रेशम और आला मियारी धागों का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि ये शाही लिबास का हिस्सा थी। इसलिए इसकी तैयारी में हर एक बारीक को गौर से देखा और परखा जाता। जमाना बदलता गया और शेरवानी बिला लिहाज व मिल्लत हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के लोग पहनने लगे। आज मार्केट में सैकड़ों की तादाद में शेरवानी के डिजाइन मौजूद है। शेरवानी पहले बेसिक कलर्स में पहनी जाती थी, ये भी एक डिफरेंस हो गया है। आज जो है वाइब्रेंट कलर्स में पहनी जा रही है, जैसे वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, इन कलर्स में पहनी जाती थी पहले शेरवानी। लेकिन आज अल्लाह का फजल करम है कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आज कम से कम 300 से ज़्यादा कलर चल रहे हैं, जिसमें ब्लू है, मरून है, ग्रीन है, पीच है, पिस्ता है और मोकंटी कलर है और टर्क्वाइश कलर है। ये अलग अलग कलर्स में चल रहा है अभी। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के मौके पर बच्चे बड़े शेरवानी पहनना पसंद करते हैं और दूल्हे राजा के लिए खुसूसी रंगारंग डिजाइनर शेरवानी तैयार करवाई जाती है। दूल्हे की शेरवानी हो या अकॉम्पनेंट्स की शेरवानी हो, लोग आकर के जो है पूरी फैमिली की शेरवानी की शॉपिंग कर देते हैं हमारे पास। तो अब अगर
यानी पहले एक ऐसा हुआ करता था कि वो एक ट्रेडिशन था शेरवानी, तहजीब था, लेकिन अब सिर्फ अब ट्रेडिशन टर्न इनटू फैशन नाउ। तो अब फैशन में जो है ये है कि भाई जो है कोई जात पात नहीं रही भी इसमें, हर वो मज़हब का आदमी ये पहनना चाहता है। जैसे आप देखिए जैसे सरदारों में जो है गैनी जेल सिंह थे, तो वो जो है गैनी जेल सिंह जो है शेरवानी पहना करते थे, और जैसे अपने पास जो है और भी बहुत सारे नेहरू जी है या और भी कई एक पॉलिटिशियंस देखिए आप, पूरे शेरवानी का अपना ये बना के रखे हैं स्टाइलिंग। और इसमें जो है मतलब जो शेरवानी में जो एलिगेंस आती है और पर्सनालिटी में जो है जो फीलिंग आती है वो किसी और आउटफिट में नहीं आती है। आप लेट इट बी पैंट शर्ट ले लीजिए, कोई और ले लीजिए, तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती जो शेरवानी में फीलिंग आती है। तो इसलिए लोग जो है फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही देते हैं कि वह जो है शेरवानी पहनी जाए। शेरवानी न सिर्फ फैशन का हिस्सा है बल्कि कई सियासी कायदीन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शेरवानी ज़ेब-ए-तन किए नज़र आते हैं।